हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। तो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 6 में आज हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसकी बनावट क्या है, कैसे कैसे वो बनाया जाता है, और उसके लाभ और हानियाँ क्या हैं, गुण दोष क्या हैं, और किस प्रकार उसको प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिंसिपल्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले आइए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों से, और यूट्यूब पर हमारे चैनल तक जाने के लिए सबसे पहले लिखिए टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी, अर्थात टेक्निकल स्पेस गुरु स्पेस पंजोलिया स्पेस जी, या बड़े आराम से आप सिंपल लिख सकते हैं PANJOLIA SPACE JI, अर्थात पंजोलिया स्पेस जी लिखकर भी हमारे यूट्यूब चैनल तक आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है डीसी मोटरों के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात क्या करता है? डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी मोटर का सिद्धांत जो है वो किस रूल पर कार्य करता है, आखिर उसका भी कोई नियम होगा। तो वहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में स्टडी करते हैं ये क्या चीज़ है। दोस्तों, ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल। अपने बाएं हाथ को जिस प्रकार फिगर है ठीक उसी प्रकार बना लें। अंगूठे को ऊपर की तरफ, साथ वाली उंगली को बिल्कुल सामने की तरफ, बाकी उंगलियों को मोड़ लें। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है जो, तो वो अगर इस सामने वाली उंगली के की तरफ है तो उसकी लाइन्स ऑफ फोर्सेज इस तरफ जाएंगी, और जो करंट है करंट इस दिशा में घूम रहा है कॉइल में, इस तरह इस प्रकार घूम रहा है, तो उसकी जो फोर्स उत्पन्न होगी, जो धक्का लगेगा, रिफ्लेक्शन उत्पन्न होगी, वो ठीक ऊपर की तरफ अंगूठे की तरफ होगी। जिस तरफ अंगूठा होगा उस तरफ उसकी डिफ्लेक्शन होगी। इसे यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। ये पाया जाता है कि जब भी एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो एक बल कंडक्टर पर कार्य करता है जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा में सीधा होता है। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ ये नॉर्थ है, हॉर्सशू घोड़े की नाल की तरह यू टाइप एक परमानेंट मैग्नेट लिया है, स्थायी चुंबक लिया है। ये नॉर्थ है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, इस तरफ को चलेंगी। अब इसके बीच में ये देखिए गोल्डन कलर के कॉइल है, ये कॉइलिंग की गई है एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर, इसको कॉइल को किया गया है, और बीच में ये लोहे की कोर है। एडी करंट लॉसेस को ख़त्म करने के लिए लोहे की कोर का प्रयोग किया जाता है, लोहे की कोर है, और दोनों तरफ ये हेयर स्प्रिंग लगाए हुए हैं, हेयर स्प्रिंग से इनको सप्लाई दी जाती है। ये हेयर स्प्रिंग यहाँ पर लीड का कार्य करते हैं, इसे अगले एनिमेशन में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो सप्लाई है फिगर के बिल्कुल डायरेक्शन में, मैंने आप बताया है यहाँ से उंगली के सेध में बिल्कुल इस तरफ को, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों की आपस में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं। ये बीच में कॉइल जो है इसको काट रहा है। अब इसमें जो सप्लाई है कॉइल में, सप्लाई इस तरफ को है, यहाँ से घूम रही है पूरी, इस प्रकार कॉइल में सप्लाई घूम रही है। तो इस प्रकार अगर सप्लाई घूम रही है तो अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो इसमें जो फोर्स होगी वो इस तरफ को, अर्थात ये कॉइल इस तरफ को घूमेगी। अगर कॉइल इस तरफ को घूमेगी तो ये जो पॉइंटर लगा है ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन देगा, जितनी कॉइल घूमेगी उतनी डिफ्लेक्शन देगा। अब मोटर और मीटर में जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके मीटर हैं, उनमें और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस होता है कि वहाँ पर ये स्प्रिंग नहीं होते हैं, मोटर में स्प्रिंग नहीं होते हैं जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करते हैं। मीटर में ये कंट्रोलिंग टॉर्क का काम इसलिए करते हैं कि जितनी सप्लाई दी जाती वहीं पर इनको रोक देते हैं और सप्लाई ख़त्म होने के बाद वापस शून्य पर ले आते हैं। लेकिन डीसी मोटर में ये जो कॉइल है ये घूमती है और घूमती ही जाती है,
ये वापस जीरो पर नहीं आती है, आगे ही आएगी, पीछे को नहीं आती है, बस ये इसका प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, इसे एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक और कट सेक्शन बनाया हुआ है मैंने, इस कट सेक्शन में मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये जो हेयर स्प्रिंग लगाए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर जो हेयर स्प्रिंग लगाए गए हैं, ये हेयर स्प्रिंग लीड का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं। क्वाइल जो ये गोल्डन कलर की क्वाइल यहाँ पर बाइंडिंग की गई है, ये जो बाइंडिंग की हुई है, ये बाइंडिंग जो भी आपको दिखाई दे रही है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव शो किया होता है। तो केबल इस यहाँ से सिद्ध होता है कि यहाँ डीसी सप्लाई क्यों दी जाती है, इसे मैं आगे आपको बताता हूँ बड़े गहन तरीके से। डीसी सप्लाई दी गई है, यहाँ से सप्लाई एक स्प्रिंग से दी जाती है, पूरी कॉइल में से घूम के दूसरे स्प्रिंग से सर्किट कंप्लीट किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट कि जो हेयर स्प्रिंग लगाए जाते हैं, एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करते हैं और दूसरा कनेक्शन के लिए लीड का कार्य करते हैं, ये प्लस पॉइंट यहाँ पर है। आप देखिए इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, तो करंट जो है यहाँ पर करंट इस दिशा में घूम रहा है, असल इस कॉइल में इस प्रकार इस दिशा में घूम रहा है। अगर इस दिशा में घूम रहा है तो जो फोर्स लगेगी, जो कॉइल ये घूमेगी बीच में, फ्री जो कॉइल है ये स्पेंडल पर घूमेगी, तो ये इस दिशा में घूमेगी, ये कॉइल इस दिशा में घूमेगी, जैसे कॉइल इस दिशा में घूमेगी तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन देगा। ये मेन चीज़ समझाने वाली थी, इसी को मैंने यहाँ पर आपको मीटर को बना के बताया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है उसको प्रॉपर तरीके से बना के समझाने की कोशिश की हुई है मैंने। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, इन मीटरों का काम करने का सिद्धांत जो है डीसी मोटर के सिद्धांत के बराबर होता है, वो मैंने आपको समझा दिया, अर्थात फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार होता है। अर्थात जब भी किसी कंडक्टर जिसमें से करंट बह रहा हो को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर कैसे घूमता है, वहाँ पर हम सिद्ध करते हैं। ये देखिए एक घोड़े की नाल जैसा या यू टाइप परमानेंट मैग्नेट लिया है, यहाँ पर ये एन है और ये एस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जाएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो अब यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम का फ्रेम लाइट फ्रेम रखा जाता है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार से लॉसेज ना हों, हानियाँ ना हों, आयरन हानियाँ ना हों, एडी करंट हानियाँ ना हों। और इसके बीच में ये जो पॉइंट है इसमें आयरन कोर रखी जाती है, आयरन कोर अर्थात आयरन का पीस भी रख सकते हैं लेकिन उससे एडी करंट लॉसेज होंगे, तो आयरन कोर अर्थात बारीक बारीक पत्तियों को लैमिनेट करके आपस में जोड़ के एक फ्रेम बनाया जाता है और उसको आयरन कोर कहते हैं। तो ये रखा जाता है, उसके पश्चात इसको यहाँ पर हॉर्स शू के सेंटर में स्पिंडल पर फिक्स किया जाता है, स्पिंडल के नीचे और ऊपर दोनों तरफ ज्वेल वेयरिंग लगाए जाते हैं, जिन वेयरिंग पर ये बिल्कुल फ्रीली घूमता है, कोई फ्रैक्शन नहीं होती है, बड़े आराम से घूम सकता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। और फिर इस पर दो हेयर स्प्रिंग लगाए जाते हैं, हेयर स्प्रिंग आपको मैंने पहले ही बताया है फास्फोरस ब्रॉन्ज के होते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज के इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उन पर तापमान का फर्क नहीं पड़ता है, चुंबकीय प्रभाव उनको बिल्कुल नहीं पड़ता है और उनकी स्ट्रेस जो खींचते हैं तो वापस फिर उसी स्थान पर आ जाते हैं, ये स्ट्रेस क्वालिटी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और बिल्कुल सही तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ मैंने आपको बताई कि इनको सप्लाई स्प्रिंगों के हेयर स्प्रिंग के थ्रू दी जाती है, तो कॉइलिंग की करते हैं, अब यहाँ पर बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हेयर स्प्रिंग के लीड के साथ लीड लगाई, यहाँ से कॉइल हम बाइंड कर रहे हैं, इसको घुमाते हुए दूसरे से स्प्रिंग से आउट हो गया। मान लीजिए अगर ये प्लस है तो ये यहाँ पर माइनस आएगा, बस इतना ही यहाँ पर समझने वाली बात है। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार जब हम यहाँ पर सप्लाई देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर एक पॉइंटर लगाया होगा इस स्पिंडल के साथ पॉइंटर लगाया होगा और पॉइंटर क्या करेगा, इस मीटर में रीडिंग देगा, एसी एम्पेयर मीटर डीसी में या वोल्ट मीटर डीसी में कुछ भी रीडिंग देगा, तो ये
पॉइंटर स्पिंडल के साथ जो लगा है घूमेगा कैसे, उसी कंडीशन में कैसे घूमेगा कि यहाँ पर कहा कि अर्थात जब कभी किसी कंडक्टर जिसमें से करंट घूम रहा हो, ये कंडक्टर जो है जिसमें से करंट घूम रहा है, इस प्रकार करंट घूम रहा है, इस कंडीशन में करंट घूम रहा है तो, और को चुंबकीय क्षेत्र में, इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह कंडक्टर घूमने की कोशिश करेगा, ये कंडक्टर घूमने की कोशिश करेगा, जब इसमें जब तक इसमें करंट नहीं घूम रहा है ये स्टेबल है, लेकिन जैसे इसमें सप्लाई दी जाएगी तो ये घूमने की कोशिश करेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार। इस प्रकार इस मीटर में स्थिर विद्युत चुंबक होता है जो चुंबकीय क्षेत्र जो बनाता है, और एक आयताकार एल्युमिनियम की कॉइल, एल्युमिनियम के फ्रेम में कॉइल को फिक्स किया जाता है। यहाँ पर देखिए कॉइल को फिक्स किया जाता है एल्युमिनियम के प्रॉपर ढांचे में, बहुत लाइट वेट होता है इसलिए इसे स्पिंडल पर बिल्कुल फ्रीली घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस फील्ड में एक स्पिंडल जो लगी होती है इसके अंगेंस्ट ये घूमता है, यही इसकी क्वालिटी है और यही इसके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझने वाली है जो मैंने वर्किंग मॉडल में बताई है। अब देखिए जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, जैसे इसको हमने सप्लाई दी, ये स्पिंडल देखिए पॉइंटर सप्लाई देने और करंट सप्लाई रेंज बढ़ाएंगे हम, देखिए और अधिक रेंज बढ़ाएंगे, यहाँ पर रेंज बंद, रेंज जो सप्लाई है सप्लाई को बंद कर देंगे तो फिर वापस आएगा। ये देखिए जैसे जैसे हम सप्लाई का एम्पेयर या वोल्ट्स बढ़ाएंगे ये काम करता हुआ दिखाई देगा हमें, ये इसी रूल पर कार्य करता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो ये जो हमारे वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर हैं या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मूविंग कॉइल टाइप के मीटर हैं, इनकी कमियां क्या हैं और ख़ासियत क्या हैं ये मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, और ये एसी पर क्यों कार्य करते हैं इस चीज़ को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इस चीज़ को समझाने की मैं यहां पर आपको कोशिश करता हूं कि ये जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैं ये स्थायी चुंबक के होते हैं, और यहाँ पर देखिए आप इसका पैमाना बिल्कुल एक जैसा कांस्टेंट होता है, लीनियर होता है, जितना एक के लिए डिस्टेंस है उतना ही दूसरे के लिए होगा, उतना ही तीसरे, उतना ही चौथे के लिए। यहाँ देखिए अगर पांच यहाँ हैं तो 10 बराबर डिस्टेंस पर होंगे, जबकि मूविंग आयरन में शुरुआत में तंग होता है, बीच में खुला खुला हो दूर दूर होते हैं, एंड में फिर से तंग होता है, लेकिन मूविंग कॉइल में ये जो मीटर होते हैं इनकी रीडिंग के लिए पैमाना जो होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, लीनियर होता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका ये है कि ये उपकरण जो हैं बहुत ही प्रभावी होते हैं, विश्वसनीय रीडिंग देते हैं, बिल्कुल स्टीक रीडिंग देते हैं, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त जो क्वालिटी है इसी के कारण इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके पश्चात ये करंट जो है एडी करंट डिफ्लेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, एडी करंट के सिद्धांत पर ही इनकी डिफ्लेक्शन होती है, और कोई हिस्टेरेसिस नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये इसका फ्रेम जो है एल्युमिनियम का होता है तो इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कम बिजली की खपत होती है क्योंकि इसका जो वर्किंग ड्राइवर है बिल्कुल छोटे से साइज का होता है और बिल्कुल फ्री होता है ज्यूल बेयरिंग के ऊपर, तो इसकी जो क्वालिटी है काम करने की बहुत अधिक है, बहुत कम बिजली की का प्रयोग होता है इसमें, खपत बिल्कुल कम होती है। स्थायी चुंबकों को के द्वारा प्रदान किए गए कार्य के रूप में अनावश्यक फैले हुए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये प्लस पॉइंट है इसका। वजन के अनुपात में इसका टॉर्क बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है, और ऐसे उपकरणों को कम ऑपरेटिंग करंट की आवश्यकता होती है, मतलब कि बहुत कम ऑपरेटिंग करंट भी देंगे बहुत तब भी बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत स्टीक रीडिंग देंगे और बहुत ही बढ़िया कार्य करेंगे। प्लस इनका एक और अच्छा जो गुणांक है वो ये है कि अगर हम वोल्टेज और करंट कम छोटी रेंज का एक वोल्ट मीटर या एम्पेयर मीटर यूज़ करते हैं और अधिक ज़्यादा बड़ी रेंज की तक हमने मेरिंग करनी है तो वोल्ट मीटर में हम गुणक का प्रयोग कर सकते हैं, और एम्पेयर मीटर में जैसे वोल्ट मीटर में हम करेंगे
गुणक का, गुणक अर्थात सीरीज में एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं और हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के कम मीटर में मल्टीप्लाई करके हम अधिक रीडिंग ले सकते हैं, और एम्पेयर मीटर की में हम शंट लगा के, पैलर में शंट लगा के उसके हम यहाँ पर उस ज़्यादा रीडिंग को उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट हैं इनके, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं। इनके नुकसान क्या हैं? इन उपकरणों का उपयोग एसी माप के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इनको हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? यदि एक कॉइल में करंट उल्टा है, अब ध्यान से समझने वाली बात है कि एक कॉइल में करंट उल्टा है, जैसे यहाँ पर कॉइल में करंट चल रहा है, यहाँ पर करंट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है और कॉइल में करंट इस प्रकार घूम रहा है, तो ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार इसमें डिफ्लेक्शन इस तरफ को आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डीसी के केस में हमेशा पॉजिटिव हाफ में ही रहता है, लेकिन एसी के केस में यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है। एसी के केस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सीधा चलेगा ये उल्टा चलेगा। तो अगर एसी की सप्लाई देते हैं हम यहाँ पर, तो होगा क्या कि एक फेस में तो ये ऊपर को जाएगा और दूसरे हाफ में ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब कि ये सुई एक बार आगे और एक बार पीछे। तो एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं, तो एक साइकिल में दो बार अप डाउन होता है, तो ये इसमें 100 बार एक सेकंड में ये आगे पीछे करेगा, अर्थात ये वाइब्रेटिंग करती रहेगी सुई, लेकिन काम नहीं करेगी। ये सुई वाइब्रेटिंग करेगी आगे पीछे यहीं पर चलेगी, क्योंकि उसे आगे जाएगी तो आगे जाने से पहले पीछे आना पड़ेगा, पीछे जाने से पहले आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट पर जीरो आता जाएगा, प्लस माइनस में जीरो आता जाएगा। यही मेन कारण है कि इनका प्रयोग एसी पर नहीं किया जा सकता, इनको एसी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन एमआई जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी तुलना में ये महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी बनावट, इनकी संरचना जो है बहुत जटिल है, कॉस्टली है, सेंसिटिव है, और इनको बनाने में अधिक मेहनत होती है, अधिक सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये महंगे होते हैं। ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर समझने वाली बात है कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से महंगे होते हैं। घर्षण और तापमान में कुछ त्रुटियाँ पेश कर सकते हैं, अर्थात बोलने का मतलब क्या है कि इसमें मेन चीज़ें क्या यूज़ होती हैं। मेन चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें एक मैग्नेट, चुंबक। अब चुंबक का क्या है? चुंबक गर्मी और कंपन स्थायी चुंबक के जीवन काल को कम करता है, अर्थात अगर टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है या शिवरिंग बढ़ती है, तो ये स्थायी चुंबक की उम्र को कम कर देता है, उम्र कम कर देगा। इस बात को ध्यान में रखना है आपने, जीवन काल को कम करता है। तो इस उपचार ने चुंबक के चुंबकत्व को भी कम कर दिया। चुंबक का चुंबकत्व जो है उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण है। चुंबक की कमजोरी कॉइल के विक्षेपण को कम कर देगी। अब यदि चुंबक की शक्ति कम होगी, इस चुंबक में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वीक हो जाएंगी, तो इस कॉइल में जो डिफ्लेक्शन होगी उसको भी प्रभावित करेगा और वो भी कम देगा, तो मीटर सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। उसके पश्चात दूसरा क्या चीज़ यूज होती है? हेयर स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग होते हैं, हेयर स्प्रिंग जो होते हैं, तापमान का इन पर फर्क पड़ता है। धारा की जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की कमजोरी स्थायी चुंबक के बीच में बढ़ते कॉइल के विक्षेपण को बढ़ाती है, अर्थात यदि स्प्रिंग कमजोर हो जाएगा, स्प्रिंग अगर शक्तिशाली रहेगा तो जैसे ही हम इसको धारा की सप्लाई देंगे तो ये अगर 2 एम्पेयर मांगना है तो यहाँ तक आएगा, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा।
क्योंकि स्प्रिंग में शक्ति है, स्प्रिंग इसको रोक लेगा और वापस फिर धारा बंद होने के पर जीरो पर ले आएगा। लेकिन अगर स्प्रिंग वीक हो जाते हैं तो ये दो की बजाय सवा दो, ढाई, तीन पर जाके रुकेगा और फिर वापस जीरो तक आने की बजाय थोड़ा पीछे ही रुक जाएगा। इसके कारण स्प्रिंग में अगर कसाव कम हो जाता है तो इसके विक्षेपण टॉर्क में, रिफ्लेक्शन टॉर्क में कमी आ जाती है, रिफ्लेक्शन टॉर्क बढ़ जाता है और कंट्रोलिंग टॉर्क में कमी आ जाती है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया कि तापमान में यदि 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है तो स्प्रिंग में तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है तो स्प्रिंग में 0.004% का जो इसकी हार्डनेस है, इसकी स्ट्रेंथ है, वो उतनी कम हो जाती है। इसके जीवन को ये कम करती है, स्प्रिंग के जीवन को, अतः तापमान बढ़ने से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसके पश्चात मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनमें तब त्रुटि आती है, उनमें एरर तब आता है जब उनकी सीमा को शंट के उपयोग द्वारा दी गई सीमा से बढ़ाया जाता है। क्योंकि जब एम्पेयर को शंट लगाया जाता है तो उनकी उम्र में इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके वर्किंग में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उससे भी इनकी उम्र कम होती है। ये थे मेन चीज़ें जो हमने मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करनी थी। ये यहाँ पर हमारे मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट दोनों पार्ट्स में ख़त्म होते हैं। अब हम आगे अगले मीटरों के बारे में स्टडी करेंगे कि अगले मीटर किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाट मीटर हैं, वाट मीटर की स्टडी अगले वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें और फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।